सुपर हीटर। आज बात करेंगे सुपर हीटर के बारे में। बॉयलर में क्या होता है सुपर हीटर? बॉयलर में स्टीम ड्रम के अंदर सैचुरेटेड स्टीम होता है। वो सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटर ट्यूब में आती है, जिससे क्या होता है, ये सुपर हीटर ट्यूब उस सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में बदल देता है। ये कैसे होता है? जब फ्लू गैस बॉयलर फर्नेस से निकलकर जब सुपर हीटर ट्यूब से पास होती है या गुजरती है, तो फ्लू गैस अपना हीट को सुपर हीटर ट्यूब को दे देता है, जिससे सुपर हीटर ट्यूब के अंदर से जो सैचुरेटेड स्टीम जाता है वो हीट को ले लेता है, जिससे सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में बदल जाता है। इसमें सुपर हीटर दो तरह से क्लासिफाइड होता है। पहला होता है प्राइमरी सुपर हीटर और दूसरा होता है सेकेंडरी सुपर हीटर। इसमें सैचुरेटेड स्टीम सबसे पहले प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है, उसके बाद डी सुपर हीटिंग होता है यदि टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर कोई रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद सेकेंडरी सुपर हीटर में जाता है, जो भी स्टीम टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाता है यहाँ से। अब सुपर हीटर के दो टाइप होते हैं। पहला होता है वर्टिकल नॉन रेनेबल, जो वर्टिकल नॉन रेनेबल, और दूसरा होता है हॉरिजेंटल रेनेबल। तो सबसे पहले समझते हैं हॉरिजेंटल रेनेबल को। ये जो हॉरिजेंटल रेनेबल सुपर हीटर होता है वो शेप में कॉइल टाइप होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये हॉरिजेंटल ड्रेनेबल सुपर हीटर जो होता है वो मोस्टली WHRB बॉयलर में यूज़ किया जाता है। इसमें एक प्राइमरी सुपर हीटर और एक सेकेंडरी सुपर हीटर होता है। ये दोनों का जो लोकेशन होता है वो कन्वेक्शनल जोन में लगता है। कन्वेक्शन जोन का मतलब है कि जो फ्लू गैस के पाथ में रहता है और फ्लू गैस से ये हीट को ले लेता है। और दूसरा होता है वर्टिकल नॉन ड्रेनेबल, जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये यूज होता है AFBC, CFBC और ट्रेवलिंग रेट बॉयलर में। इसमें एक प्राइमरी सुपर हीटर और एक सेकेंडरी सुपर हीटर होता है। इन दोनों का जो लोकेशन होता है वो प्राइमरी सुपर हीटर ही का जो लोकेशन होता है वो कन्वेक्शन जोन में, और सेकेंडरी सुपर हीटर का जो होता है वो रेडियन जोन में ये अरेंज रहता है। यहाँ रेडियन जोन का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करता है बर्निंग फ्यूल से, रेडियन के द्वारा बॉयलर फर्नेस में ये लगता है। इसमें सुपर हीटर फ्लो के तीन टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो का मतलब ये है कि इसमें जो स्टीम का फ्लो और फ्लू गैस का जो फ्लो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। दूसरा होता है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो का मतलब यह है कि इसमें स्टीम का फ्लो और फ्लू गैस का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तीसरा होता है क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में स्टीम फ्लो और फ्लू गैस का जो फ्लो होता है वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। इसमें जो वर्टिकल नॉन रेनेबल कॉइल ट्यूब में जो स्टीम का फ्लो और फ्लू गैस का जो फ्लो होता है, जो प्राइमरी सुपर हीटर और सेकेंडरी सुपर हीटर दोनों में ये काउंटर फ्लो होता है, ताकि जो बेटर हीट ट्रांसफर हो और फ्लो गैस के साथ जो भी टेम्परेचर बाहर जा रहा है उसे कम कर सके।
जो प्राइमरी सुपर हीटर ट्यूब की जो ट्यूब है उसकी साइज होती है, प्राइमरी सुपर हीटर की जो ट्यूब होती है उसकी साइज होती है, और उसका आयोटर जो डाया होता है वो होता है 44.5 और 44.5 mm, और जो थिकनेस होता है वो 4 mm होता है। उसी तरह से जो सेकेंडरी सुपर हीटर की जो ट्यूब है उसकी साइज होती है, उसके जो आउटर डाया होता है 44.5 mm, और उसका जो थिकनेस होता है वो होता है 4.5 mm। और सुपर हीटर ट्यूब की जो मटेरियल होता है, जो प्राइमरी सुपर हीटर ट्यूब की जो मटेरियल होता है वो होता है SA210GR1, और सेकेंडरी सुपर हीटर ट्यूब की जो मटेरियल होता है वो होता है SA213T11T22। इसमें दो दो हेडर होता है, इसमें दो दो हेडर होता है, इनलेट हेडर और आउटलेट हेडर। इसका जो मटेरियल होता है, जो प्राइमरी सुपर हीटर का जो इनलेट और आउटलेट हेडर होता है वो होता है SA106GR2, और सेकेंडरी सुपर हीटर का इनलेट हेडर मटेरियल होता है SA106GR2 होता है। और उसी तरह से सेकेंडरी सुपर हीटर का जो आउटलेट हेडर होता है उसका जो मटेरियल होता है वो SA335P11 होता है। अब सुपर हीटर ट्यूब की जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है, यदि टेम्परेचर 426 डिग्री से बिलो है या फिर इससे नीचे है तो लो कार्बन स्टील यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और अगर टेम्परेचर 426 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो वहाँ पर कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का जो मिश्रण है उसको यूज़ किया जाता है।